हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये बहुत ही सिंपल और इजी स्कार्फ बनाना सीखेंगे। इसमें देखिए हमने सिर्फ सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाई हैं, जिनको सिर्फ सीधी सिलाइयाँ बनाने आती हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसमें देखिए ये 8 फंदे की हमने ये पट्टी बनाई है। यहाँ पे हमने 8 फंदा डाल के पट्टी बनाई है। उसके बाद हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाना शुरू किया था, तो यहाँ पर टोटल हमें 85 फंदे चाहिए स्कार्फ के लिए। यहाँ पे तो फंदे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे 85 फंदे कर लिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये 4 लाइन हमने वाइट कलर से बनाया है और 8 लाइन हमने पिंक कलर से बनाया है। तो ये पैटर्न ऐसे हम रिपीट करते जाएंगे और यहाँ पे फिर हम फंदे घटाएंगे, तो इस तरह से ये स्कार्फ कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो चलिए पहले हम इसकी पट्टी बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसे बनाने के लिए मैंने नॉर्मल साइज़ का ऊन लिया है और 10 नंबर की सिलाई से हम इसे बनाएंगे। हमें सिंगल धागे से फंदे डालने हैं, तो देखिए इतना बड़ा धागा हम ऐसे इस साइड में करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 8 फंदे डालने हैं। तो ऐसे हम देखिए इस तरह से फंदे बनाएंगे, एक फंदा, दो, तीन, इस तरह से हम यहाँ पे 8 फंदा बना लेंगे। देखिए मैंने इसमें 8 फंदे बना लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसे हमें सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। ये पहली लाइन है तो ये पहला फंदा भी हमें इस लाइन में बुनना है, बाकी हमें ये पहला फंदा उतारना रहता है हर लाइन में। ऐसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए ये लाइन हो गई है, अब इसे हम पलट लेंगे। अब इस साइड से भी हमें सीधा बुनना है, लेकिन देखिए ये वाला जो फंदा है इसे हमें बगैर बुने हुए उतार लेना है। देखिए हम सिलाई ऐसे करेंगे, इसे उतार लेंगे, धागा हम पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे चैन बनेगी, ऐसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए ये लाइन हो गई है, अब इसी लाइन को हमें ऐसे रिपीट करते हुए जाना है। इसे हम पलट लेंगे, पहला फंदा उतार के धागा पीछे करेंगे और बाकी के सारे फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। देखिए ऐसे बुनते हुए हमें पट्टी की लंबाई बना लेनी है, सिर्फ सीधा सीधा बुनते हुए। देखिए पट्टी हमने बना लिया है, इसे मैं नाप के बता देती हूँ। देखिए 8 इंच की पट्टी हमें बनानी है। अब इसकी लंबाई होने के बाद हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। ये इसकी राइट साइड है, सीधी तरफ हमें राइट साइड जब आना है तो फंदे बढ़ाना है। ये इसकी राइट साइड है तो इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। ये एक फंदा हम ऐसे बगैर बुने हुए उतार लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं या इस तरह से बढ़ा सकते हैं, आपको यहाँ पे जिस तरह से बढ़ाना है आप फंदा बढ़ा सकते हैं। देखिए ये एक फंदा हमने बढ़ा लिया, फिर एक फंदा ऐसे सीधा, फिर एक फंदा हम ऐसे बढ़ाएंगे। यानी कि हमें एक फंदा बनाना है और एक फंदा बढ़ाना है। इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे। एक फंदा हमने बढ़ा लिया, अब इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर फंदा बढ़ाना है, सीधा, फिर बढ़ाएंगे, सीधा बढ़ाएंगे, ये फंदा सीधा, ये फंदा बढ़ा के और ये लास्ट वाला फंदा सीधा। तो इस तरह से हमने एक लाइन में फंदे बढ़ा लिए हैं। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब इस लाइन में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, हमें पूरी लाइन
सीधी बनानी है बगैर फंदे बढ़ाए हुए। तो एक फंदा हम उतार लेंगे, बाकी के सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए ये बढ़ाया हुआ फंदा है, ऐसे सीधा इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। हमने फंदे बढ़ाने के बाद एक लाइन बनाया है रॉन्ग साइड से, अब इसकी राइट साइड में आ गए हैं, तो इस लाइन में भी हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। देखिए हमें तीन लाइन बनाना है, उसके बाद हम फिर से चौथी लाइन में फंदे बढ़ाएंगे। जैसे उल्टी तरफ से हमने एक लाइन बना लिया, अब ये इसकी दूसरी लाइन है, तो इसे भी हम सीधा बुनेंगे एक फंदा उतार के, ऐसे पूरी लाइन बनाएंगे। देखिए ये लाइन हो गई। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। दो लाइन हमने बना लिया है, अब ये इसकी तीसरी लाइन है, तो रॉन्ग साइड से तो हमें फंदे नहीं बढ़ाने रहते हैं, तो हम बगैर फंदे बढ़ाए हुए ऐसे सीधा बुनते जाएंगे पूरी लाइन। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। तीन लाइन हमने बना लिया है बगैर फंदे बढ़ाए हुए। अब हमें इस लाइन में फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे राइट साइड में हैं और ये इसकी चौथी लाइन है। तो इसी तरह से हम तीन तीन लाइन के बाद चौथी लाइन में फंदे बढ़ाएंगे। देखिए एक फंदा उतार के ऐसे हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा बढ़ाना है, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा बढ़ाना है। तो इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। हमने यहाँ पे देखिए फंदे बढ़ा लिए हैं, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें फिर से तीन लाइन बनाना है बगैर फंदे बढ़ाए हुए। जैसे हमने देखिए यहाँ पे इस लाइन में फंदों को बढ़ाया है, उसके बाद हमने तीन लाइन बनाया था, तो उसी तरह से हम फिर से करेंगे। इसे हम पलट लेंगे और पूरी लाइन हम सीधी बनाएंगे, फिर इसे पलट के पूरी लाइन सीधी बनाएंगे, इसमें भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं यहाँ पे तीन लाइन बना लेती हूँ, उसके बाद हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें तीन लाइन बना लिया है। अब हम इसकी राइट साइड में आ गए हैं, ये इसकी चौथी लाइन है, तो इसकी चौथी लाइन में हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं, तो हम उसी तरह से बढ़ाएंगे। ये एक फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, एक फंदा ऐसे बढ़ा के, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा बढ़ा के, एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से हमें चौथी लाइन में करते हुए जाना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। हमने यहाँ पे देखिए फंदे बढ़ा लिए हैं। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब देखिए हमें फिर से उसी तरह से करना है, तीन लाइन बनाना है, उसके बाद चौथी लाइन में हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए ऐसे इस लाइन में हमें फंदे नहीं बढ़ाने रहते हैं, तो ऐसे हम पूरी लाइन सीधी बनाएंगे। ये इसकी पहली लाइन है, तो एक लाइन, फिर राइट साइड से दूसरी लाइन, फिर रॉन्ग साइड से तीसरी लाइन। तीन लाइन बनाने के बाद जब हम चौथी लाइन आएंगे राइट साइड में, तो चौथी लाइन में हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो तीन लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे तीन लाइन बगैर फंदे बढ़ाए हुए बना लिए हैं। हम इसकी राइट साइड में आ गए हैं, अब हमें इसकी चौथी लाइन बनानी है। देखिए इस लाइन में हमें फंदे बढ़ाने हैं, लेकिन देखिए हम दो फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक फंदे के बाद बढ़ाया है, तो इस लाइन में हमें यहाँ पे दो फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाना है। हमें यहाँ पे टोटल 85 फंदे चाहिए। देखिए ये वाला एक फंदा ऐसे हम उतार के यहाँ पे हम एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, फिर एक फंदा बढ़ाना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे, एक दो, फिर एक फंदा बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स ये लाइन इसी तरह से जाएगी, दो फंदा बनाने के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर दो फंदा बनाने के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पूरी लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से
सारे फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे दो फंदा ऐसे बचेगा, यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया है, इसे भी हमें ऐसे सीधा बना लेना है, ये इस तरह से हो गया। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब देखिए फिर से हमें तीन लाइन यहाँ पे बनाना है। अब हमें जितने फंदे यहाँ पे चाहिए थे हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। टोटल 85 फंदे हमें यहाँ पे चाहिए थे, तो यहाँ पे टोटल 85 फंदे हो गए हैं। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ हम यहाँ पे तीन लाइन पिंक कलर से बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे धागा ज्वाइन करेंगे व्हाइट कलर का। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। अब से हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। ये हमें यहाँ पे तीन लाइन बनाना था तो हमने बना लिया है। अब इसमें हमें व्हाइट कलर का धागा ज्वाइन करना है। तो पहले मैं आपको इसके फंदे गिन के बता देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे दो दो फंदा गिनूँगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस। तो 40 का डबल यहाँ पे 80 फंदा हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये 80 81 82 83 84 85, तो टोटल हमें यहाँ पे 85 फंदे चाहिए थे, तो यहाँ पे हो गए हैं। अब इसमें हमें देखिए ये वाला धागा ज्वाइन करना है, इसे हम नॉट लगा लेंगे। ऐसे हम धागे को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन व्हाइट कलर से बनाएंगे। और देखिए ये वाला धागा भी हमें काटना नहीं है, हम साथ में इसे लेकर के चलेंगे। देखिए एक लाइन हमने व्हाइट कलर से बना लिया है, अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब ये इसकी दूसरी लाइन है। देखिए इस तरह से हमें सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। दो लाइन हमने देखिए व्हाइट कलर से बना लिया है, अब हमें इसकी तीसरी लाइन बनानी है। अब देखिए ये वाला जो धागा है पिंक कलर का धागा, इसे हम इसमें ऐसे लपेट के ऊपर करते जाएंगे। देखिए ऐसे ये ऐसे साथ साथ ऊपर चलता जाएगा। इस तरह से हमें इसकी तीसरी लाइन कंप्लीट करना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। तीन लाइन हमने बना लिया है व्हाइट कलर से, अब हमें इसकी चौथी लाइन बनानी है। देखिए इस तरह से हम पूरी लाइन सीधी बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। देखिए चार लाइन हमने व्हाइट कलर से बना लिया है, अब हमें ये वाला धागा यहीं पे छोड़ देना है। अब हम पिंक कलर से आठ लाइन इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये चार लाइन बनाया है। देखिए ये धागा हम ऐसे ऊपर कर लेंगे। इस तरह से हम पूरी लाइन सीधी बना लेंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। हमने यहाँ पे पिंक कलर से एक लाइन बना लिया है, अभी हमें यहाँ पे सात लाइन फिर से बनाना है पिंक कलर से सीधा सीधा। जैसे देखिए हमने ये चार लाइन बनाया है सीधा सीधा बुन के, उसी तरह से हमें यहाँ पे
8 लाइन बनाना है पिंक कलर से सीधा सीधा बुन के। अब इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है, 4 लाइन वाइट कलर से सीधी सीधी और 8 लाइन पिंक कलर से सीधी सीधी बनाते हुए हमें स्कार्फ की लंबाई पूरी कर लेनी है जितना बड़ा इसे हमें बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने स्कार्फ की लंबाई बना ली है। देखिए 4 लाइन व्हाइट कलर से और 8 लाइन पिंक कलर से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन हमने पिंक कलर से बनाया है। मैं इसे नाप के बता देती हूँ। देखिए यहाँ से हम इसे नापेंगे तो लगभग 13 इंच इसकी लंबाई है। आप इसे छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे देखिए ये ऊन है तो ये इस तरह से ऐसे बढ़ता है, स्ट्रेचेबल होता है ये। अब देखिए इसकी लंबाई बनाने के बाद हमें इसके फंदे कम करने हैं। तो जैसे हमने फंदों को बढ़ाया है उसी तरह से हम यहाँ पे फंदों को घटाएंगे। देखिए 4 लाइन यहाँ पे वाइट कलर से हमने बना लिया है, उसके बाद 2 लाइन हमने यहाँ पे पिंक कलर से बना लिया है। देखिए ये 1 ये 2। अब हमें इसके फंदे घटाने हैं। तो फंदे घटाने के लिए देखिए एक फंदा हमें सीधा बुनना है, उसके बाद हम 2 का 1 करेंगे, फिर 1 सीधा, फिर 2 का 1 करेंगे। तो ये वाला फंदा हमें उतार लेना है पहला फंदा, उसके बाद हमें 2 का 1 करना है, तो एक फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा। ये दोनों फंदे में हम सिलाई करेंगे और इसे हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर ये एक फंदा सीधा, फिर हमें 2 का 1 करना है। ठीक है, ऐसे दोनों फंदे में सिलाई करके ऐसे एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से हमें फंदे घटाते हुए ये पूरी लाइन बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है, हमने यहाँ पे फंदे घटा लिए हैं। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब देखिए जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाते टाइम 3 लाइनों के बाद फंदे बढ़ाए थे, तो हमें उसी तरह से करना है। जब हम 3 लाइन बना लेंगे उसके बाद हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो ये इसकी पहली लाइन है, पहली लाइन हम बना लेंगे, फिर दूसरी बना लेंगे, फिर तीसरी बना लेंगे ऐसे सीधा सीधा बुन के। फिर उसके बाद हम चौथी लाइन में फंदे घटाएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 लाइनें बना लेती हूँ। देखिए फंदे घटाने के बाद हमने यहाँ पे 3 लाइन बना लिया है जिसमें हमने फंदे नहीं घटाए हैं। हम यहाँ पे देखिए राइट साइड में आ गए हैं। अब हमें इसकी चौथी लाइन बनानी है, तो चौथी लाइन में हम फिर से फंदे घटाएंगे। लेकिन देखिए हमें किस तरह से घटाना है, ये एक फंदा तो हम ऐसे उतार लेंगे, उसके बाद देखिए हमें 2 फंदे का ऐसे एक करना है, फिर से यहाँ पे ऐसे 2 फंदे का एक करेंगे, फ्रेंड्स ये इसकी चौथी लाइन है। ये ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन बनाने के बाद हमें चौथी लाइन में फंदे घटाने हैं। जिस तरह से हमने फंदों को बढ़ाया था उसी तरह से हमें फंदे घटाने रहते हैं 3 लाइन के बाद चौथी लाइन में। देखिए इस लाइन में हमें सिर्फ ऐसे 2 का 1 करते हुए जाना है, ऐसे 2 का 1। तो इसी तरह से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक हमने सारे फंदे घटा लिए हैं। अब देखिए लास्ट में ये 2 फंदा बचा है, तो इसे भी हमें उसी तरह से 2 का 1 कर देना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ 1 फंदा आएगा, बाकी यहाँ पे 2-2 फंदे आ जाते हैं, ऐसे हमें 2 का 1 कर देना है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब हमें फिर से 3 लाइन बनाना है जिसमें हम फंदे नहीं घटाएंगे। देखिए इस तरह से ये इसकी पहली लाइन है, 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन। 3 लाइन के बाद जब हम इसकी चौथी लाइन बनाएंगे तो हम फिर से फंदे घटाएंगे।
तो तीन लाइन हम पहले इसमें बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे तीन लाइन बना लिया है जिसमें हमने फंदे नहीं घटाए हैं। अब ये इसकी चौथी लाइन है और हम यहाँ पे देखिए राइट साइड में आ गए हैं, तो इस लाइन में हम फंदे घटाएंगे। तो ये वाला फंदा ऐसे हम उतार लेते हैं, बाकी उसके बाद देखिए हमें ऐसे दो का एक करते हुए जाना है। फिर से हम यहाँ पे ऐसे दो का एक करेंगे। तो इसी तरह से ये वाली पूरी लाइन हमें बनाना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है, इसमें हमने सारे फंदे घटा लिए हैं। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब देखिए हमें फिर से यहाँ पे तीन लाइनें बनाना है जिसमें हम फंदे नहीं घटाएंगे। ये इसकी पहली लाइन है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी लाइन जब हम बनाएंगे तो हम फिर से इसमें फंदे घटाएंगे। देखिए हमने इसमें तीन लाइन बना लिया है जिसमें हमने फंदे नहीं घटाए हैं। अब ये इसकी चौथी लाइन है, हम यहाँ पे देखिए राइट साइड में आ गए हैं। अब इस लाइन में हम फंदे घटाएंगे, एक फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, बाकी के सारे फंदे देखिए हमें इस तरह से दो का एक करते जाना है, ऐसे दो का एक। देखिए इस तरह से हम सारे फंदे यहाँ पे घटा लेंगे तो आठ फंदे यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए फंदे हमने घटा लिए हैं, यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फंदा हो गया है। अब हमें सिर्फ सीधा सीधा बुनना है, जैसे हमने ये पट्टी बनाई है उसी तरह से हम इस साइड में पट्टी बनाएंगे। ऐसे सीधा सीधा बुन के पट्टी की लंबाई हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, पट्टी हमने बना लिया है, जितनी बड़ी पट्टी हमने ये वाली बनाई थी उतनी बड़ी ऐसे हम नाप के बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसकी लंबाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके फंदे हमें बंद करने हैं। ये इसके देखिए राइट साइड है सीधी तरह, तो हम ऐसे दो फंदा बनाएंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर एक फंदा बना के इसके ऊपर से उतार देंगे। तो यहाँ पे ऐसे फंदे बंद हो जाएंगे। देखिए सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब ये धागा भी ऐसे हमें बंद कर देना है, ये फंदा ऐसे हो गया। अब देखिए ये वाला जो धागा है इसे हम ऐसे क्रोशिया से या फिर सुई से इसके अंदर ऐसे ले आएंगे। देखिए इस तरह से ये स्कार्फ कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।